अब इस केस में ये एल्केन की चेन दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक साइक्लिक ग्रुप मॉलिब्डेनम ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड अंडर दिस कंडीशन कुछ भी ऐसा नहीं 11th क्लास का डायरेक्ट रिएक्शन है अंडर द हेडिंग ऑफ एरोमेटाइजेशन एक तरह के ये जो कंपाउंड हमारे पास हुआ करते हैं एल्केन वाले इनको एरोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए दीज आर स्पेसिफिक कंडीशंस जो यूज की जाती हैं तो अब इस केस में एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है इनके साथ एरोमेटिक में अगर फॉर्मेशन हो रही है तो सिर्फ ए और डी में से कुछ बनेगा अगर हम कुछ और ना करें सिर्फ अगर हमें याद है कि बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन वी गेट एरोमेटिक कंपाउंड 11th क्लास की थोड़ी सी भी अगर इंफॉर्मेशन की ध्यान हो तो ये ए और डी चॉइस होगी अब नंबर ऑफ कार्बन एटम को अगर हम देखें तो ये अगर 6 होते तो बेंजीन बनता जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और अब इस केस में एक मिथाइल एक्स्ट्रा है तो 6 बेंजीन के साथ एक मिथाइल एक्स्ट्रा तो जो चॉइस बना वो क्या था डी तो बड़े सिस्टमैटिक लॉजिकल वे में आंसर तक पहुंच पाएंगे देखिए ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हमसे प्रोडक्ट पूछा गया अब इस पर्टिकुलर केस में ये क्लियर है जिंक मर्करी एमलगम HCl रिडक्शन करता है रिएक्टेंट में CO है केटोनिक ग्रुप है एल्केन में कन्वर्ट कर देगा CO को CH2 में जिंक मर्करी एमलगम क्लेमेंसन रिडक्शन सो ये बात क्लियर हो गई कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का ये वाला और यहां से इथाइल वाला पार्ट है तो 6 कार्बन वाला पार्ट है ये रहा CO की जगह CH2 आ गया यानी कि इस केस में अगर हम ड्रॉ करें सो यहां पर इस केस में CH2 ये C2H बाकी सब एज इट इज इंटैक्ट सिर्फ CO की जगह CH2 बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्ट अब सेकेंड फिर वही सेम कंडीशन ध्यान दीजिएगा फेरेडियम क्रोमियम ऑक्साइड है या टंगस्टन वगैरह की बात की गई थी इन सभी केसेस में फंडा वही रहता है एरोमेटाइजेशन टेक्स प्लेस इस बार फर्क क्या पड़ रहा है कि ये वाले जो 6 कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वो तो बनाएंगे बेंजीन रिंग उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या बच गया इथाइल वाला पार्ट अब कौन सा ऐसा है जहां बेंजीन के साथ इथाइल लगा हुआ ठीक है सो अब इस पर्टिकुलर केस में यहां पर तो याद रखिएगा पिछले केस में पिछले क्वेश्चन में 4 में से 2 रूल आउट कर पाए थे सिर्फ एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में इस वाले एग्जांपल में क्या क्वेश्चन में क्या कर दिया एग्जामिनर ने चारों एरोमेटिक दिए लेकिन जो कार्बन चेन लगी है उसको आगे पीछे कर दिया तो हमें ढूंढना होता है देखना होता है कि एग्जाम्पल किस बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है